पहले रोज पूछता था, फिर जब उसकी तस्वीर पर या उसके साथ जुड़ी किसी भी चीज पर नजर पड़ती थी तब पूछता था, अब नहीं पूछता। एक दिन उसने मुझे खुद कहा कि मुझे बोर्डिंग में दाखिल करा दें पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो आपके पास आ जाऊंगा। उस दिन मुझे लगा कि वो बड़ा हो गया। अपनी हालत देखिए आप। यही तो सोच रहा हूं, कुछ महीने का शोक काफी है, अब अपनी हालत को बदल लूं। आप मदद कीजिए ना मेरी। पैसे चाहिए? हाँ। कितने? नहीं, कोई 20-25 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। उधार नहीं, पर्सनल। इतने पैसे क्या करेंगे आप? सोचता हूं अगर इतने पैसे ना मिले तो क्या करूं। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं 3 साल। अपने पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूं, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत, सब बिकते हैं, सब खरीदूंगा। गुस्से में हैं आप? नहीं, होश में हूं। जाते हुए नींद से जगा गई वो मुझे। कसम से वतीन साहब, जब वो जा रही थी तो मुझे उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं था, उल्टा गुस्सा मुझे शहवार पे था। अबे साले, अगर सचमुच मोहब्बत हो गई है तो बात उससे करो जो साली वफा की बात करे तो वफा भी करे। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। आजमा कर देखिए, ये दुनिया अच्छे मर्दों की वजह से नहीं चलती, अच्छी औरत की वजह से चलती है। आप आगे तो बढ़िए, कोई ना कोई आपको मिलेगी जो आपको बताएगी कि मेरी वजह से चलती है दुनिया। बिल देना छोटू। बिल मैं दूंगा। अरे छोड़िए मतीन साहब, आप क्या मैं क्या, आप ये सोचिए कि 20 करोड़ कैसे मिलेंगे। साहब 240 रुपये। मिलते हैं मतीन साहब, सोचिएगा जरूर। मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो।